हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीरोन्स फॉर्मूले के ऊपर, जो हमारा 9th क्लास में 12th चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। तो अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और कैसे उसको डील करते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। इसके अलावा अगर आपने एक्सपोनेंट की वीडियो नहीं देखी है तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, और आपके जो 9th क्लास में साइंस की वीडियो है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है हीरोन्स फॉर्मूला। तो आइए शुरू करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, मान लेते हैं ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी, इसके वर्टिक्स हैं, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, साइड्स इसको नाम देते हैं, ये वाली साइड जो है स्मॉल ए, ये वाली साइड स्मॉल बी यूनिट, और ये वाली साइड स्मॉल सी यूनिट है, ठीक है। यूनिट मीन मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया होता है ये, इसको एरिया बोलते हैं ना, ये कि अगर इसको कवर करना है तो आपको कितना कपड़ा चाहिए उसको एरिया बोलते हैं, ये इस ट्रायंगल का एरिया है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, तो जो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे, ये होता है स्क्वायर रूट एस ब्रैकेट में एस में माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे S क्या है और ए बी सी क्या है, वो समझते हैं। देखिए ए बी सी, तो ये तो क्या है, साइड्स हैं, ए बी सी क्या है, साइड की लेंथ किसी भी ट्रायंगल की। और S क्या है आपका, जो S है वो सेमी पैरामीटर होता है, वेयर S इज, इसको बोलते हैं सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, ठीक है। तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, तो देखिए सेमी पैरामीटर मतलब पैरामीटर का हाफ। तो आपको पता है ट्रायंगल का पैरामीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और आपको इसको हाफ करना है तब आपको मिलेगा एस, आपको क्या मिलेगा एस, एस होता है सेमी पैरामीटर। या आपको तीनों साइड को ऐड करेंगे और हाफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेमी पैरामीटर मिलेगा। तो सेमी पैरामीटर एस जो है यहाँ पे अप्लाई होगा, और आपको इस चीज़ को कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया होगा, ठीक है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम एबीसी है, इसकी जो एबी साइड है वो 40 यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट लिख लेते, जो मीटर लिख लेते हैं 40 मीटर है, ये 32 मीटर है, 32 मीटर एसी और 24 मीटर बीसी है, ये तीनों साइड की लेंथ है, और हमें निकालना है ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नोटेशन लिख लेता हूँ। तो सॉल्यूशन में देखिए गिवन आपको क्या क्या यहाँ पे गिवन है, तो आपको सबसे पहले गिवन है ए बी की लेंथ जो कि 40 मीटर है, इसके अलावा आपको दे रखा है ए सी की लेंथ जो कि 32 मीटर है, इसके अलावा आपको दे रखा है जो बी सी की लेंथ जो कि 24 मीटर है। तो ये जो हमने अभी नोटेशन यूज़ किया था, उस नोटेशन में ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए बी सी आपका है, ठीक है। ए बी सी मान लेते हैं इसको, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया, तो देखिए एरिया के लिए सबसे पहले आपको सेमी पैरामीटर एस निकालना पड़ेगा जो कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है, यानी पैरामीटर का हाफ होता है, पैरामीटर का हाफ होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 24 एंड डिवाइड बाई टू, ठीक है। इन तीनों साइड्स को ऐड करके हाफ कर लेते, तो 40 प्लस 32 प्लस 24 बाई टू, ठीक है। तो तीनों साइड को जोड़ के आप हाफ कर लीजिए तो कितना आएगा, आप कैलकुलेट करिए इसको, तो ये 42 प्लस 32 प्लस 24 96 बाई टू, तो दिस इज 48, ठीक है 48, तो ये आपका 48 आ गया। तो 48 जो आपका है वो सेमी पैरामीटर है जिसको कि एस की वैल्यू है, ठीक है, ये भी मीटर में आएगा क्योंकि ये मीटर में, तो ये एस की वैल्यू है। अब हम एरिया वाला फॉर्मूला आएंगे, तो हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या फॉर्मूला लिखा था हमने भी, स्क्वायर रूट उसके अंदर S, फिर ब्रैकेट में S में से A माइनस करेंगे, S में से B और S माइनस C। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं वैल्यू पुट कर दूँ, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, देखिए S की वैल्यू 48 आई, तो ये है एक बार 48, ब्रैकेट में 48 माइनस A, तो A जो आपकी साइड थी स्टार्टिंग में तो 40 थे, तो दिस इज 48 माइनस 40, दिस इज 48 माइनस B 32, और नेक्स्ट इज 48 माइनस C यानी 24,
ठीक है। अब हमें बस इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैलकुलेट करने के लिए इजी वे ये होता है कि हम इसको क्या करें, इस तरीके से फैक्टराइज करें कि जो एक फैक्टर हो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे 48 है तो 48 को तो मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 8 × 6 लिख सकता हूँ, 8 × 6 24 × 2 लिख सकता हूँ, 12 × 4 लिख सकता हूँ, 16 × 3 लिख सकता हूँ। लेकिन मैं इसको 16 × 3 लिखूंगा पहले, क्यों? क्योंकि 16 स्क्वायर होता है 4 का, तो वो रूट के बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना है। तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 48 तो क्या लिखूंगा इसे, 16 × 3 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई, देखिए ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई होता है। सो 48 − 40 दिस इज 8, मल्टीप्लाई 48 − 32 दिस इज 16, मल्टीप्लाई 48 − 24 सो दिस इज 24। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना होता है, ये जब भी इस तरह की कैलकुलेशन होती है आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है ये पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए या पेयर पेयर बना लीजिए, वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे, है ना। क्यों आएंगे बाहर? क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, जैसे 16 और 16 है तो 16 का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो एक पेयर तो ये 16 का बन ही गया है, और आप यहाँ पे देखिए 8 × 3 = 24 है, तो ये 24 और ये भी 24, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। किस तरीके से, ये 8 × 3 = 24 है और ये 24, तो 2 24 हो गए, पेयर बन गया, ये रूट के बाहर, और 16 16 2 16 है, ये भी बाहर, तो बाहर आ जाएगा 16 × 24। अब देखिए 16 × 24 और रूट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर बचा है 1, तो 1 का रूट 1 ही होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको 16 और 24 को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप 16 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 384। टू डिजिट मल्टीप्लाई कैसे करना है, फास्ट मल्टीप्लाई कैसे करना है, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो वो भी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, जो आपका हमारा मल्टीप्लाई करने का मेथड है, जो मैंने बताया कि आप फास्ट मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कितनी जल्दी मल्टीप्लाई किया, 16 × 24। ठीक है, तो इसमें मैं कैसे मल्टीप्लाई किया और कैसे अप्लाई किया तो ये वीडियो में बता दिया गया। तो इसका आंसर आ रहा है 384, और साथ में आप यूनिट स्क्वायर जरूर लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में, क्योंकि पूरा मीटर में चल रहा था। तो इस तरीके से हीरोन फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको ट्रायंगल की 3 साइड चाहिए, बस ट्रायंगल्स की 3 साइड चाहिए, और जब आपको 3 साइड मिल जाती है तो उनको आप नाम दे दीजिए ABC, और उसके बाद सबसे पहले आप सेमी पैरामीटर निकालेंगे, जो कि A+B+C/2 होता है, सेमी पैरामीटर। सो दिस इज 40 + 32 + 24/2, जो कि 48 मैंने कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज स्क्वायर रूट ऑफ S S − A S − B S − C, सो अंडर रूट 48 48 − 40 48 − 32 48 − 24, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 384। ठीक है, आइए एक आध क्वेश्चन बुक से कर लेते हैं। तो NCERT का एक क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं हमारी NCERT एक्सरसाइज जो है हमारा 12.1, उसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि आपके पास एक स्कूल बोर्ड, एक साइन बोर्ड है जो कि ट्रायंगुलर शेप में है, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का है। आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप है, उसमें स्कूल अहेड लिखा हुआ है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड बराबर है, तीनों क्या है, AA है। कह रहा है इसका एरिया बताइए, मतलब कुल मिला करके वो आपसे डिराइव कराना चाह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट, जो कि हीरोन फॉर्मूला से आएगा। तो चलिए हम भी ड्राइव करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर ABC जो 3 साइड होती है, तीनों की जगह A ही है, ठीक है, तीनों ही A है, तो हमारे पास जो A है वो तो A है ही, लेकिन बाकी जो 2 साइड है ना B, वो भी A ही है, और जो तीसरी साइड है वो भी A है, तीनों साइड A है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेमी पैरामीटर, तो आइए निकाल लेते हैं। तो S की वैल्यू क्या होगी, A+B+C/2, क्योंकि तीनों बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा A+A/2, बी की जगह भी A लिख दिया, सी की जगह भी A लिख दिया, तीनों आ गए A+A+A/2, सो S = 3 × A, सो 3A/2, है ना, कितना हो जाएगा 3A, तो 3A/2 आपका क्या है, सेमी पैरामीटर। अब हमें निकालना है इसका एरिया, तो एरिया कैसे निकलेगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको नाम दे देते हैं ABC, ये आपका ट्रायंगल है ABC, तो इसको मैंने ABC नाम दे दिया। तो आइए इसका एरिया कितना होना चाहिए, तो हीरोन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका एरिया स्क्वायर रूट ऑफ S S − A S − B और S − C होना चाहिए, क्योंकि ABC तीनों की जगह A है, और S की जगह हमने 3A/2 कैलकुलेट कर लिया है, तो हम पुट कर देते हैं इसको यहाँ पे, सो दिस इज 3A/2 ब्रैकेट में S 3A/2 − A ब्रैकेट S की जगह फिर से 3A/2 − A, और फिर तीसरी बार 3A/2 − A, 3 times, ठीक है, 3 times। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
देखिए 3a/2 यहीं पे रहेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3a-2a/2 कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी सेम वैसे ही हो जाएगा, ये 3a-2a/2 और तीसरा वाला भी वही है, तो 3a/2 होल में और -2a। ठीक है, अब देखिए 3a-2a a होता है, तो ये a/2 है, ये a/2 है, तो मैं इसी को हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है 3a-2a इज a, सो दिस इज a/2, और ये भी क्या है a/2, और तीसरा वाला भी क्या होगा a/2, तो आपके तीनों a/2 हैं। अब मैंने क्या बोला था, स्क्वायर रूट के बाहर कब आता है, जब पेयर बनता है, तो a/2 मल्टीप्लाई में एक पेयर ये बन गया, ये बाहर आ जाएगा। और जरा इसको देखिए, ये a/2 है ना, 3a/2, ये 3a/2, तो 3 × a/2, तो एक a/2 ये रहा और एक a/2 ये रहा, ठीक है, तो कुल मिला के a/2 फोर टाइम है, तो दो दो के पेयर अगर हम बना लें तो दो बार बाहर आ जाएगा, तो a/2 × a/2 ये बाहर आ गया, अंदर बचेगा रूट में सिर्फ 3, क्या बचेगा रूट में सिर्फ 3। अब ये मल्टीप्लाई करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू a² / 4 और √3, क्या लिख सकता हूँ a² / 4, तो a² एंड 2 × 4, तो a² / 4 √3, तो या इसको मैं और सही से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ √3/4 एंड a², तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, वो है जो आपको पढ़ाया जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर है, वो यहाँ से आया, वो ह्यूरोंस फॉर्मूला यूज़ करके आया। ह्यूरोंस फॉर्मूला एक्चुअली बेसिक मेथड है किसके लिए, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, वही एक मेथड है, जब कोई मेथड काम नहीं करेगा तो ह्यूरोंस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बेस इनटू हाइट भी एक होता है ट्रायंगल का एरिया, लेकिन वो हर जगह काम नहीं करता, क्योंकि इसकी हाइट के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, ये हाइट होती है, ये हाइट नहीं होती, ये हाइट होती है। तो आपका अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइट गिवन है, और नहीं है तो फिर हमें निकालनी पड़ेगी, तो वो हमारे लिए दिक्कत है, लेकिन ह्यूरोंस फॉर्मूला लग जाएगा अगर हमें साइड पता है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आगे से अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछेगा तो आप डायरेक्ट √3/4 साइड स्क्वायर लिख सकते हैं, या आपको ऑप्शनल में पूछ सकता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, तो आप डायरेक्ट √3/4 साइड स्क्वायर पे टिक मार सकते हैं। ठीक है, आइए एक आध क्वेश्चन और करते हैं न्यूमेरिकल टाइप, आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बुक में, और ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको रेशियो की फॉर्म में दिया है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25, जो आपकी ट्रायंगल की साइड है वो इस रेशियो में है 12:17:25, और आपको ये पूछा है कि और साथ में ये भी गिवन है कि पैरामीटर 540 है, 540 मीटर, और आपको पूछा है एरिया, क्या पूछा है एरिया। देखिए रेशियो वाला जब भी क्वेश्चन होगा आप कैसे सॉल्व करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा एरिया निकालना है ना, तो एरिया आपको साइड तो चाहिए ए बी सी, तो साइड चाहिए ना, लेकिन आपको साइड नहीं दे रही, आपको देगा रेशियो। तो जब भी रेशियो दिया होता है तो देखिए सॉल्व करने का तरीका ये होता है, लेट आप लेट कर लीजिए, जो ए साइड होगी उसको आप लेट करेंगे 12x, ये जो 12 है ना ये 12 रेशियो में है, तो आप ए को क्या लेट करेंगे 12x, ऐसी जो बी साइड होगी उसको क्या लेट करेंगे आप 17x, और जो सी साइड होगी उसे क्या करेंगे 25x। अब क्योंकि पैरामीटर 540 है, पैरामीटर कितना है 540, तो पैरामीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है ना पैरामीटर, तो ये कितना है 540, तो अब हमें क्या करना है ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, तो ए की जगह आ जाएगा 12x, बी की जगह 17x और सी की जगह 25x, तो ये हो जाएगा 540। तो देखिए ये है 12x प्लस 17x प्लस 25x, अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 54, सो 54x इक्वल टू 540, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 540/54, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10। अब आपका x से 10 आया ना, साइड तो 10 नहीं आई, हमें तो साइड चाहिए, साइड क्या था आपका 12x ना, तो आपकी जो a साइड हो जाएगी a वो हो जाएगी 12x, यानी 12 × 10 यानी 120, क्या हो जाएगी 120। जो आपके B साइड हो जाएगी वो कितनी है 17x, तो 17 × 10 यानी 170, और तीसरी जो C साइड हो जाएगी वो हो जाएगी 25x, 25 × 10 यानी 250। इस तरीके से आपको साइड्स निकाल लेनी है। ठीक है, साइड निकाल लिया, अब आगे का काम देखिए आपके लिए प्रैक्टिस में, आगे का काम आपको क्या करना है, ये A है, ये B है, C है, सबसे पहले सेमी पैरामीटर S निकालिए, A प्लस B प्लस C, ठीक है, बाई 2, और उसके बाद ह्यूरोंस फॉर्मूला रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से आप क्या निकाल सकते हैं एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन होगा, उसमें क्या गिवन होगा, हर बार देखिए दूसरी बार ऐसा बोल देगा कि किसी ट्रायंगल की एक साइड सपोज मान लीजिए एक साइड 15 है, दूसरी साइड 17 है, और पैरामीटर जो है 38 है, मान लीजिए कुछ भी 38 है, तो फिर आप एरिया निकालिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 38 रखेंगे, तब सी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एक साइड गिवन नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे ये प्लस ये इन दोनों को जोड़ेंगे और
प्लस सी को भी जोड़ेंगे तो टोटल पैरामीटर आना चाहिए, लेकिन वो तो 38 है और दो साइड गिवन है, तीसरी नहीं गिवन है, तो माइनस करके पैरामीटर में से दोनों साइड का सम माइनस करके आप तीसरी साइड निकालेंगे और उसके बाद बाकी की प्रोसेस वही रहेगी जो हमारी स्टार्टिंग में। तो देखिए ए बी सी आ गया है, अब आपको क्या करना है, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से आपको हीरोन्स फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए और जो भी आपका आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कैसे हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है और किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको आपकी क्वारी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।